हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस की, जिसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ ली थी किसके लिए, एक इनफाइनाइट चार्ज लाइन के लिए। और दूसरी एप्लीकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ी थी, कौन सी? एक नॉन कंडक्टिंग हमने शीट ली थी और उसके कारण किसी पॉइंट पी पर हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करते हैं। तो उसी वीडियो में हमने इसके नेक्स्ट डेरिवेशन की भी बात कर ली थी, जो कि नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा कौन सा रखने वाला है, कंडक्टिंग शीट का रखने वाला है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए जस्ट इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। तो ये हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। बच्चों, आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का पर्पस क्या है, यहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी है, और वो भी किसके लिए डिराइव करनी है, हमें कंडक्टिंग शीट के लिए डिराइव करनी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि कंडक्टिंग शीट क्या होती है, नॉन कंडक्टिंग शीट क्या होती है। अगर नॉन कंडक्टिंग शीट को हम चार्ज करते हैं तो उसके सिर्फ एक साइड ही चार्ज रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कंडक्टिंग शीट की, तो कंडक्टिंग शीट को जब चार्ज किया जाता है तो उसके बोथ साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। डायग्राम से पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस डेरिवेशन को, जैसा कि हम सारी की सारी एप्लीकेशंस में ये प्रोसेस लेते आ रहे हैं, कौन सा प्रोसेस है कि सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मान लो हम इनफाइनाइट लाइन ले रहे हैं या फिर हमें कोई शीट लेनी है, तो नॉन कंडक्टिंग शीट हो चाहे से कंडक्टिंग शीट हो, हमें वो ऑब्जेक्ट लेना है और दो एलिमेंट्स में उसको, दो एलिमेंट्स लिखकर और दो एलिमेंट्स के कारण इंटेंसिटी हमें पी पॉइंट पर निकालनी है। तो इंटेंसिटी निकालने से पहले फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम ओनली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट रहेगा वो किसके लिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के लिए। और सेकेंड पार्ट हमारा कौन सा होगा, उसके मैग्नीट्यूड के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे सेकेंड पार्ट। तो इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने इनफाइनाइट शीट ली है तो मान लो ये आगे भी है, इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट तक क्या है, ये अवेलेबल है हमारे पास, और इसको अब क्या करना है, चार्ज करना है। तो मान लो इस शीट को हमने चार्ज कर दिया तो बोथ साइडेड इस पे चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हमने इस तरह से चार्जेस इस पे बना लिए। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एक मिड पॉइंट लेना है। मान लो हमने O एक मिड पॉइंट ले लिया है और O से हम डिस्टेंस लेते हैं स्मॉल r। इस डिस्टेंस पर हमने P पॉइंट लिया है और इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी। मान लो हमने इस पॉइंट O के ऊपर यहां A1 एलिमेंट और नीचे सेम डिस्टेंस पर A2 एलिमेंट लिया है। ये हम दो एलिमेंट्स क्यों लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट शीट के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो सबसे पहले इस शीट पर हमें मिड पॉइंट से ऊपर नीचे दो एलिमेंट्स लेने होते हैं। दोनों एलिमेंट्स के कारण पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई तो वो हम निकाल लेंगे। और इसे हम क्यों लेते हैं, बात ये आती है, तो इसे हम इसके डायरेक्शन निकालने के लिए लेते हैं और साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी इसी से ही निकलता है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, A1 से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी dE वेक्टर आ रही है। तो dE वेक्टर आने के
डेंसिटी की बात करेंगे, जो कि क्या है, डीई वेक्टर। तो यहाँ पर पहले भी प्रोसेस में हम समझ चुके हैं कि दोनों ही एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, उन दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन दो हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर दो डायरेक्शन है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं रहा है, तो ये दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। दो डायरेक्शन में से सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का ही हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर डीई और डीई दोनों मैग्नीट्यूड सेम आया है, तो इसका हम दो कंपोनेंट में इसका डिवाइडेशन करेंगे। तो डिवाइड करते हैं हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो देखो वो कैसे करते हैं, मान लो हमने ये वर्टिकल कंपोनेंट्स ले लिए हैं, जो कि A1 के कारण क्या है, DE sin थीटा। यहाँ पर मान लीजिए थीटा एंगल्स है, तो A1 के लिए और A2 के लिए DE sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट्स आ गए हैं। इसी तरह से अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिखना चाहें तो DE cos थीटा और DE cos थीटा हम लिख लेंगे। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, सिंपली यहाँ पर A1 A2 दो एलिमेंट्स लिए थे, जिनके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE वेक्टर आई थी। DE वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन दो हो जाने के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें मिल सके। तो हमने क्या किया है कि यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट में DE वेक्टर को डिवाइड कर लिया है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसा कि आप देख रहे हो DE sin थीटा, और ये भी क्या है, DE sin थीटा है। लेकिन दोनों के डायरेक्शन भी आप देख रहे हो, इसकी अपवर्ड डायरेक्शन है, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो दोनों के डायरेक्शन अलग अलग या ऑपोजिट होने के कारण दोनों एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हमारे पास कौन से बचे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचे हैं, जैसा कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज में बचे थे और साथ साथ नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए बचे थे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचने के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ भी ये जो शीट है हमारी, ये जो शीट है, इस शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो कौन सा था, ओनली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता करनी थी। तो हमने डायरेक्शन इसकी पता कर ली है, क्या है इसकी डायरेक्शन, कि यहाँ भी जैसे मान लो नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिली थी उस शीट के परपेंडिकुलर, सेम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाने के कारण क्या होगा कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस शीट के परपेंडिकुलर आ गई। तो ये टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम सेकंड टारगेट। तो सेकंड हमारा जो पार्ट है उसमें हमें क्या करना है कि इस शीट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट पर। तो क्या किया जाता है सेकंड पार्ट में, सबसे पहले क्योंकि उस पर क्या करना है, गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। अब गॉसेस लॉ अप्लाई करने की कंपलसरी कंडीशन क्या होती है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट यहाँ ले रहे हैं उसको एक सरफेस में हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो जैसा हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए पढ़ चुके हैं और नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए पढ़ चुके हैं कि दोनों को ही हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस में कवर किया था, क्लोज किया था, उसी तरह से क्या करना है, यहाँ भी हमें इस शीट को उसी सिलेंड्रिकल सरफेस में कवर करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो डायग्राम हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा, तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। मान लो हमने वही इनफाइनाइट शीट ली है और इसको पॉजिटिवली हमने चार्ज किया है, तो बोथ साइड से ये चार्ज हो जाएगी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके इनसाइड हमें सिलेंड्रिकल सरफेस लेना है। तो ये हमने सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया है। सिलेंड्रिकल सरफेस लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके तीन पार्ट्स हम देखते हैं जिसमें हमें एलिमेंट्स लेने हैं। तीन पार्ट्स कौन कौन
से हैं, एक तो मान लिया हमने फर्स्ट लेफ्ट साइडेड सर्कुलर सरफेस, लेफ्ट साइडेड सर्कुलर सरफेस। सेकंड कौन सा है? ये वाला राइट साइडेड सर्कुलर सरफेस। और थर्ड हम कौन सा लेते हैं? थर्ड ये वाला पार्ट होगा जो कि कर्व सरफेस कहलाता है। तो थर्ड हम लेते हैं कर्व सरफेस। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जो भी हमने ये तीन सरफेसेस लिए हैं, इन पर हमें तीन एलिमेंट्स लेने हैं। अब देखो ये तीन सरफेस की हम क्यों लेते हैं? देखो अगर सिलेंड्रिकल सरफेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस कवर हो जाए, इतने कम से कम हमें एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो मान लो ये कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका अपवर्ड या फिर अगर इस तरह से हम माने तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो भी सर्क्यूलर सरफेस है इसका वो आ जाता है, और एक होता है इसका कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस और ये दोनों मिला के तीनों एलिमेंट जो है वो पूरे के पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस को कवर करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं? तीन कम से कम एरियाज लेते हैं जिनमें हमें एलिमेंट्स देखने होते हैं। तो अब क्या करना है? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया है जिसका एरिया कितना है ds वर्ग, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब हमने मान लिया एक एरिया हमने लिया है जो कि क्या है ds 3 है, और एक हमने यहाँ पर एरिया ले लिया है जो कि क्या है ds 2 है। तो इस तरह से हमने ds 1 ds 2 एंड ds 3 ये तीन एरियाज हमने ले लिए। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग जो शीट थी उससे थोड़ा सा अलग कंडीशन यहाँ पे आती है। वो क्या है कि अगर हम किसी सिलेंड्रिकल सरफेस में कोई नॉन कंडक्टिंग शीट को इंक्लूड करते हैं तो वहां क्या होता है? वहां तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इनसाइड जीरो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंडक्टिंग सरफेस अगर हमने चार्ज कर दिया है तो दोनों साइड चार्ज आ गए हैं, लेकिन इनसाइड एरिया में जो चार्ज होता है वो कितना रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर चार्ज ही जीरो है तो वहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तो वो डायरेक्शन हम शो करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इनसाइड द सरफेस कितना लिख लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब हम जो गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे कौन से एलिमेंट पर? ds2 एलिमेंट पर। तो जब हम लिखते हैं E डॉट ds2 तो वहां पर डॉट हटा के cos थीटा आता है। अब यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी नहीं है और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। अब कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड ही अगर जीरो है तो वो पूरी की पूरी टर्म कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब बात करते हैं इन दो एलिमेंट्स की। इन दो एलिमेंट्स की अगर देखें तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी? क्या आएगी कि अगर कोई कंडक्टिंग शीट है जिसको हमने चार्ज कर लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो मान लो ये कोई शीट है, इसके परपेंडिकुलर इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है। तो सिर्फ ये दो ही डायरेक्शन हम लिखेंगे। अगर हमने ये या फिर ये डायरेक्शन बना दी तो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शीट ये, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमने डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड कर दी तो वो क्या हो जाएगी? इसके पैरेलल हो जाएगी। जबकि हमने डायरेक्शन कौन सी निकाली है? इसके परपेंडिकुलर निकाली है। तो हम या तो ये डायरेक्शन या फिर ये डायरेक्शन, सिर्फ दो ही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बना सकते हैं जो कि इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ ds1 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी। तो दोनों के बीच में जो थीटा एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? 0 डिग्री का होगा। ये क्लियर है? अब क्या करना है कि ds3 के साथ जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन
डायरेक्शन बनाएंगे तो इस शीट के परपेंडिकुलर इस तरफ या इस तरफ किसी भी तरफ हम बना सकते हैं। मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन ये ले ली है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो सिंपल सा प्रोसेस है। करना क्या होता है, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कैसे। सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन निकालते हैं। देन हमें क्या करना है, जो भी हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले रहे हैं उसे सिलेंड्रिकल सरफेस में हमें कवर करना है। देन हमें 3 एलिमेंट्स लेकर उन पर बॉक्सेस को अप्लाई करना है। अब हमें पता है कि नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग शीट में एक चीज डिफरेंट आई है, कौन सी है कि यहाँ पर इनसाइड जो एलिमेंट है S2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण इसकी जो टर्म होगी E.ds2 वो कंप्लीट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उसे हम छोड़कर बाकी दोनों एलिमेंट्स पर ये अप्लाई कर सकते हैं गॉसेस लॉ। तो बात करते हैं गॉसेस लॉ, इसे ध्यान रखना है आपको कि S1 के लिए 0 डिग्री एंगल है, S2 जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और S3 के लिए थीटा एंगल है 90 डिग्री। तो बच्चों हम कहां से स्टार्ट करते हैं कि ये E.ds है, मान लो ये S1 के लिए है, ये S2 एलिमेंट के लिए है E.ds प्लस थर्ड हम ले लेंगे S3 के लिए E.ds इक्वल में हम लिखते हैं समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर S1 है तो S1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया था तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0। फिर प्लस करना है हमें 2 के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी 2 के लिए हमारे पास 0 आया था और इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, E.ds cos 0 डिग्री। देन हम क्या करेंगे S3 के लिए E.ds cos 90 डिग्री लिख लेंगे समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो स्टूडेंट्स आपको पता है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और cos 90 डिग्री होता है 0। तो क्या करना है, देखो ये टर्म तो पहले ही 0 हो गई थी, ये भी हो गई 0, देन हमारे पास एक टर्म बच गई है, कौन सी है, E.ds जो कि किसके लिए थी, 1 के लिए थी, कौन सी थी, ये एलिमेंट S1 के लिए थी। E.ds इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ गई है वैल्यू। और अब क्या करना है, यहां पर हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है सर, तो इंटीग्रेशन जो है वो किसका होगा, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शीट है तो शीट के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी आती है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन s, तो क्यू यहां से कितना आ गया, सिग्मा s आ गया, तो यहां पर हम रिपुट कर देंगे सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना है, इस ds का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, s आ गया सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो s से s कैंसिल आउट, e हमारे पास वैल्यू आ गई है, फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आया है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स ऐसे करना है हमें, तीनों एलिमेंट्स हमने लिए हैं, तीनों एलिमेंट्स पर हमने गॉसेस लॉ अप्लाई किया है। गॉसेस लॉ अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो टर्म थी जो कि S2 के लिए थी वो तो हो गई 0, S1 के लिए थीटा एंगल था 0 डिग्री और S3 के लिए जो थीटा एंगल था वो कितना था, 90 डिग्री था। तीनों पे जब अपन थीटा एंगल सप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने के बाद हमें क्या होता है कि cos 90 0 हो गया तो ये टर्म हो गई 0 और यहाँ पर cos 0 डिग्री हो गया 1 तो यहाँ E.ds बच गया और ds के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे s आ गया। यहाँ पर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके q equals to sigma s हमने लिख लिया है और s से s कैंसिल आउट होके हमारे पास इक्वेशन आ रही है E equals to sigma upon epsilon naught। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है E equals to sigma upon epsilon naught। अब क्या कर
करना है, देखो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो यहाँ पर एक वेक्टर लगा देंगे और यहाँ यूनिट वेक्टर आ जाएगा n कैप। अब n कैप जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द शीट, कंडक्टिंग शीट। तो इस तरह से हम इसको डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं और लास्ट में हमें क्या लिख देना है, इसका वेक्टर फॉर्म लिख देना है। वेक्टर फॉर्म लिखने के बाद ये जो यूनिट वेक्टर है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग शीट। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें जैसे हमने नॉन कंडक्टिंग शीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी उसमें हमने E और सिग्मा के बीच में हमने ग्राफ बनाया था, सेम ग्राफ यहाँ बन जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर बन जाएगी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर E वेक्टर और सिग्मा के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं तो E और सिग्मा के लिए जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। सेकेंड, अगर हम बात करें कि E जो है वो R में कैसे डिपेंड करता है, तो इसके लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि E जो है वो OP डिस्टेंस, ये OP डिस्टेंस होती है R, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो E जो है R के साथ कांस्टेंट ग्राफ बनाए, मतलब R की वैल्यू अगर बढ़ रही है घट रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? तो ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या-क्या बातें की है कि एक हमने कंडक्टिंग शीट ली है, अगर कंडक्टिंग शीट को चार्ज किया जाए तो वो बोथ साइडेड चार्ज हो जाएगी, लेकिन अगर जब हम उसे सर्कुलर सरफेस में एंटर करवाते हैं या फिर उसे कवर करते हैं तो इनसाइड द शीट तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, वो जीरो। तो जीरो होने के बाद जो टर्म थी हमारी s2 एलिमेंट के लिए e dot ds की वो कंप्लीट टर्म कितनी हो गई, जीरो हो गई। s1 के लिए थीटा क्या था, जीरो डिग्री था, तो उसके लिए वन आ गया और वही लास्ट में हमारे पास बच जाता है आंसर में। तो हमारा आंसर जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो नॉन कंडक्टिंग जो शीट है उसके लिए यहाँ पर सिर्फ टू लग जाएगा। नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, और जो लास्ट में हमने दो ग्राफ बनाए थे वो सेम रहेंगे। दोनों ही डेरिवेशन आपको बनाने हैं। अलग से भी क्वेश्चन वन मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए वो स्मॉल r डिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंडेंट है भी है या नहीं। तो क्या करना है आपको, एक कांस्टेंट ग्राफ बनाकर आना है। ठीक, तो ये हमारा डेरिवेशन या